दिल्ली के वार्ड क्रमांक 7 व 13 में रहने वाले देवांगन पारा के निवासियों को गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था ना होने के चलते अब भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाली ना बने होने के कारण चलते सड़क पर गंदा पानी बहने से गंदगी का आलम ऐसा है कि लोगों को मजबूरन इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है और आवाजाही करना पड़ता है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर हमने वार्ड के पंच सहित सरपंच को बार बार इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी इस वार्ड में ना तो पक्की सड़क बन रही है और ना ही नाली का निर्माण हो रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मजबूरन हम सभी मोहल्ले वासियों को आने जाने के लिए मुख्य मार्ग होने के चलते इसी गंदे पानी के ऊपर से गुजरना पड़ता है। ज्ञात हो कि ग्राम तर्री के वार्ड क्रमांक 6, 7, 9 व 13 से निकलने वाला गंदा पानी नाली निर्माण ना होने के चलते आगे आवाजाही के लिए बने मार्ग पर अब गड्ढे का रूप ले चुका है, जिससे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होते रहती है, जिससे कभी बाइक सवार तो कभी मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति इसमें गिरकर चोटिल हो जाता है। मोहल्ले वासियों ने बताया, गंदे पानी के सड़क में आने से आप यहाँ पर मुंह में रुमाल रखे बगैर बाहर भी नहीं निकल सकते, जिससे अब बीमारी फैलने का अंदेशा भी लोगों को सता रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या यह है कि इसी गंदे पानी को पार कर इस वार्ड वासियों को पानी भरने के लिए दूर पर स्थित हैंडपम्प तक जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले में रहने वाली संतोष विश्वकर्मा, सुमित्रा साहू, भगवती देवांगन, मीरा देवांगन, वार्ड पंच नीलम मानिकपुरी, कृष्णा मानिकपुरी सहित सभी मोहल्ले वासियों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि वे इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नाली व सड़क निर्माण करवाएं और उन्हें इस समस्या से निजात दिलाएं। देवांगन पारा के निवासियों ने बताया कि यह समस्या अगर बरसात भर के लिए होती तो अलग बात होती, लेकिन यह समस्या तो पूरे वर्ष भर उनके लिए बनी रहती है। वर्तमान सहित पूर्व के भी किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, नतीजन उन्हें इस समस्या से 12 महीने जूझना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस मामले पर कुछ ना कर पाने की स्थिति में ग्रामीणों ने अब कलेक्टर रायपुर, सीईओ रायपुर व अभनपुर जनपद सीईओ को पत्र लिखकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इस संबंध में जब हमने ग्राम सरपंच पुष्पा हरीश वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उक्त जगह पर नाली व सड़क निर्माण के लिए पंचायत में प्रस्ताव पारित हो चुका है। हम सभी गांव विकास को लेकर वचनबद्ध हैं। वर्तमान में सचिव की अव्यवस्थता के चलते कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जल्द ही इस मोहल्ले वासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। इस संबंध में ग्राम सचिव रेवत राम साहू ने कहा कि सरपंच की मदद से आज ही मामले के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जल्द ही इस समस्या को निजात दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विशेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहां पर तर्री गांव के एक महिला है, संतोषी विश्वकर्मा, और ये बताएंगे हम लोगों को जो वार्ड में इनकी गंदगी पनपी हुई है और गंदा पानी जो सड़क पर बह रहा है उस संबंध में। जी बताइए मैम, क्या तकलीफ हो रही है आप सबको? पानी दिक्कत होते है, पानी वानी भरे पर बोरिंग के पूरा छिखला कीचड़ आ गए है, बोलबे माने नहीं, 5 साल मन है। आपने अवगत कराया है सरपंच को, यहाँ पे सचिव को, जनरली इस तरीके से? हाँ, सब जन बोल दारे तब नहीं माना। अच्छा, तो इसी कीचड़ से आप लोग निस्तारी करते हो, जाकर वहाँ से पानी लाते हो? हाँ जी, पानी भर के पूरा तालाब असम भर जाते ना, पानी गिरते तो पूरा। हमारे साथ यहाँ पे तर्री गांव की एक महिला है, भगवती देवांगन जी, बताइए मैम किस तरीके से समस्या आप लोगों को हो रही है? सड़क बनाना जरूरी, एकदम कीचड़ हो जाता है। हाँ। पूरा नहाने से हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, पानी वानी यहीं से लाते हैं। जी जी, तो बनाना जरूरी भाई नाली और सड़क को। इस संबंध में आपने अवगत कराया अपने वार्ड पंच सरपंच को? जी, सब करवा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं बोले उन लोग। अच्छा। सबको याद देख लिए, फिर भी कुछ नहीं बोले। 2 महीना कहीं आ गए, क्या बोल रहे हैं, क्या समस्या क्या है, नाली क्यों नहीं बन पा? नाली और सड़क का, नाली का पानी पूरे सड़क में आके पूरा भर जाते हैं। तो नाली नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे नाली भी नहीं है। अच्छा, तो नाली और सड़क को दोनों ही बनवाना जरूरी है हम लोग। यहाँ पर हमारे इसी वार्ड से नीरा देवांगन जी है, जी बताइए मैम किस तरीके समस्या हो रही है, जो कीचड़ युक्त जो नाली का पानी है सड़क में बह रहा है, इससे?
सबसे पहले हमारा नाली बनाना जरूरी, नाली और सड़क दोनों बनना चाहिए। और नाली में पूरा पानी जमा हो गए, ये पानी रिटर्न होके पूरा घर में जाके अंदर घुसा थे। अच्छा। और घर में जाते घर में पूरा बदबू फैला थे। जी जी। हाँ, तो एला नाली बनाना, नाली और सड़क ला बनाना जरूरी है। हमारे गांव के पंच सरपंच ला बोल रहे बनाबो बनाबो कहा थे, अभी तक से सूते है। आज के दिन हो गए, जब से चुनाव लड़े है तब से बोला था हमन हा। अच्छा। की नाली और सड़क ला बनाए कर लकी के। अच्छा, ये संबंध अवगत करा दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं देते, यहाँ तक से जनपद ले भी बुला के दिखा हन, पूरा घुमा घुमा के। दो महीना वहाँ से भी कोई नहीं हो रही है क्या? कोई है नहीं। हाँ, आवेदन दे था जनपद में, आवेदन दे था करके बोलते। हाँ। भाई के बोल बोल के चल दिस, और अतका कीचड़ है उसमें गुजर गुजर के पानी लाते। अभी बारिश के दिनों में काफी दिक्कत हो रही होगा। बारिश के दिन में, गर्मी के दिन में भी दिक्कत हो, गर्मी के दिन में भी भरे रही पानी इसने। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड क्रमांक 7 और 13 के पंच यहाँ पर है, और उनसे हम जानकारी जुटाएंगे। जो अभी हम सबने मोहल्ले में देखा कि गंदगी युक्त जो नाली का पानी वो सड़क में बह रहा है। जी मैम बताइए, किस तरह से आप वार्ड वासियों को राहत दिलाएंगे इस समस्या से? वार्ड नंबर 7 और 13 का, और जो भी समस्या है जैसे गांव और जैसे नाली और सड़क है जी, तो उसमें प्रस्ताव दे चुके हैं जी। और सचिव अस्वस्थ है, और उस सचिव जैसे स्वस्थ होके आ जाएंगे तो आगे के लिए जनपद में कार्य प्रस्ताव भेजकर कार्य कराएंगे। अच्छा, देखा होगा आपने काफी मोहल्ले वासियों को पानी वगैरह भरने की दिक्कत हो रही है, तो इन सब के लिए कब तक कैसा कोई समय है? जैसे वहाँ से आ जाएंगे प्रस्ताव पास होके, तो करवाने के लिए बहुत जल्दी कोशिश। आपका नाम? कृष्णा मानिकपुरी, सवार नंबर 7। हमारे साथ ग्राम तर्री के सरपंच पुष्पा हरीश बैरवा यहाँ पर है। जी मैम बताइए, किस तरह अभी हमने देखा कि आपके गांव के वार्ड क्रमांक 7-13 में काफी समस्या है, गंदा पानी जो है सड़क पर बह रहा है, इसको इस समस्या को गांव वालों को कैसे निजात दिलाएंगे, इस संबंध बताइए। यहाँ पे वार्ड क्रमांक 7 और 13 का जी, मोहल्ले वासियों ने इस बारे में मेरे को जानकारी भी दी है, यहाँ निरीक्षण करने के लिए भी आए थे अपने वार्ड पंच के द्वारा, और यहाँ निरीक्षण करके पता चला कि यहाँ बहुत ज्यादा ही गंभीर तरह, मतलब नाली और रोड की समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और इसके बारे में हम लोग मीटिंग में चर्चा भी किए, प्रस्ताव भी लिए, और बीच में उसी बीच में सचिव का अस्वस्थ हो गए तो आ नहीं पा रहे हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा काम रुक गया है। और बीच में जनपद भी आई थी तो उसे भी यहाँ आके निराकरण किए, तो हम लोग इसका जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सचिव जैसे आते हैं आगे प्रोसेस अपना शुरू करेंगे, और जैसे प्रस्ताव वहाँ जाता है वहाँ से प्रस्ताव जितना जल्दी हो सके हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ मोहल्ले वासियों को जो परेशानी हो रही है उसका निराकरण जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी इस चीज के लिए काफी अभी प्रोसेस में है कि प्रस्ताव जल्दी से भेजा जाए और वहाँ से प्रस्ताव जल्दी पास हो जाए और यहाँ का निराकरण जल्दी हो जाए। जो समस्याएं आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही है, वो तो समस्याओं का हल जल्दी निराकरण हो जाए। जी,